हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती में आँखों का बहुत बड़ा योगदान होता है और आँखों की खूबसूरती को बढ़ाने में आईब्रोज का। आईब्रो जितनी काली घनी सुंदर होती है, हमारा चेहरा उतना ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों की जो आईब्रोज होती है वो कम घनी होती है, जिसे हम आईब्रो पेंसिल से घड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी आईब्रो नेचुरल तरीके से काली घनी है, सुंदर है, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा रामबाण घरेलू नुस्खा जो आपके आईब्रोज को नेचुरल तरीके से काला करेगा, घना करेगा और आपके चेहरे की खूबसूरती को ये बढ़ाएगा। बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है, लेकिन इसका जो असर है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि सही तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले लेना है जिंजर, यानी कि अदरक। जो अदरक होता है दोस्तों, ये हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए, उसको घना और काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। अगर आप लगातार कुछ दिन के लिए अदरक के रस को अपने आईब्रोज पे लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका जो आईब्रो है वो बहुत तेज़ी से काला, घना और सुंदर होगा। तो थोड़ा सा अदरक को आपको कद्दूकस करके इसका जूस निकालना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर आईब्रोज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वान्टिटी हमें थोड़ी सी ही लेनी है। मैंने यहाँ पर लगभग एक चम्मच अदरक का रस लिया है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे लेनी है दोस्तों, वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। नारियल के तेल जो होता है दोस्तों, बालों को घना करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर अगर आप आईब्रो पे इसको लगाते हैं अदरक के रस के साथ, तो इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। लास्ट में हम इस रेमेडी को और भी पावरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं लगभग आधा चम्मच कैस्टर्ड ऑयल, और इस तरह से आप इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि रात में सोने से पहले इसकी कुछ बूंदें आपको अपने आईब्रो पे लगानी है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से अपने आईब्रो की आपको मसाज करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो और भी जल्दी आए, तो दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। लगातार कुछ दिन इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपकी जो आईब्रो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा काली, घनी और सुंदर हो गई है।